कितने लोग तो जिंदा रहते हैं फिर भी उनको कोई नहीं याद करता है, कोई काम के हैं ही नहीं, माटी के धोंधा है। नहीं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। हमारे महान भक्त आगरा के वैज्ञानिक डॉक्टर हरिश्चंद्र जी बोले, मैं रिटायर हो गया समस्तीपुर बिहार से, तो क्या करूं। मैंने कहा फिर से ज्वाइन करो कोई यूनिवर्सिटी, फिर ज्वाइन कर लिया। बोले गुरुदेव ज्वाइन कर लूँगा तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, ज्वाइन कर लिया। मरते दम तक काम करते रहो, चलती का नाम गाड़ी और खड़ी का नाम खटारा होता है। बुढ़ापे में भी कुछ करते रहो, और काम करना पाप नहीं है, काम वासना में फंसना पाप है, कामना करना पाप है, और काम करना पाप नहीं है, खूब काम करो। 80 साल की एक बूढ़ी माता जी, 30 वर्ष पहले राजस्थान में मैंने देखा, खेत में धनिया के खेत में गुड़ाई कर रही थी। तो गुरुजी मेरे साथ में थे, तो गुरुजी से मैंने कहा ये तो बहुत कमजोर लेडीज है, ये गुड़ाई कर रही। तो उसका बेटा भी था, तो हमने कहा माताजी आपकी उम्र क्या है। बोले 80 साल। तो हमने कहा अभी गुड़ाई करते हो, कोई बेटे बहू नहीं। बोले बेटे हैं 4, अब बहुएं हैं 4, अब पोता हैं 10-15। तो हमने कहा फिर तुम क्यों कर रही हो। बोले हम जब तक जिंदा रहेंगे काम करते ही रहेंगे, हम दूसरे कमाया खाने नहीं चाहते हैं, हम खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे, और अगर हम काम करते रहेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। बोले हम कभी बीमार होते ही नहीं। ये शरीर से जितना काम लोगे ये शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं होगा। और ये शरीर से काम लेना बंद कर दोगे तो ये शरीर रोज रोज तमाम दवाई खाता रहेगा, और रोज रोज तुम बीमार रहोगे, कभी स्वस्थ नहीं रहोगे। इसलिए इससे काम कीजिए, काम करने के बाद आराम का सुख भी मिलता है, और काम नहीं करोगे तो आराम में भी पीठ में दर्द होने लग जाता है। इसलिए मेहनत कीजिए। रिक्शा चलाने वालों को कितनी सुख की नींद आती है, रिक्शा पर ही सो जाते हैं। कितने लोग डबल बेड पर डल्लभ के गद्दों पर भी नहीं नींद आती, क्यों नहीं आती, शरीर थका नहीं है। और कोई काम ना हो तो व्यायाम करो। वो रस्सी पर बेटियां कूदती हैं, रस्सी ऐसे ऐसे घुमाती हैं। बहू जब बनो तो अपने ससुराल में थैला में रस्सी लेकर जाओ, और कमरा बंद करके आधा घंटा कूद दो, कोई कन बताओ, एक गोली टेबलेट खाए की जरूरत ही नहीं। तो वहाँ रस्सी लेके नहीं जाती, वहाँ बेड लेके जाती, बेड। उनके माँ बाप जो है बेड देते हैं कि डबल बेड, डबल सो हो जाए, डबल नींद ले। अब इधर से गई रहे पत्नी बन के, और 10-5 साल हम आई हैं हथनी बन के। और खूब चाट चल रही है, चटापट चाट। ये सब बवाल में मत पड़ो। बहू बनने के बाद साधु बन जाओ तो भी व्यायाम करो। कितने लोग साधु बनते हैं तो लगता है साधु नहीं बने, रोगी बने, कमंडल है टेढ़े टेढ़े चलते, टांग हम टांग लड़ते। हम कहें का बात, कहें कुछ कमजोरी है, तो हम कहें ब्रह्मचारी कैसे हो तुम, कहें तुमसे न बात करी पड़ी, बात न कर भी है तो ये इतना ढील ढाल। और महाकाम चोर, अगर कह दो सब्जी काटना है वो काटो जाए, 2 मिनट काटेगा और फिर चक्कू डार दिए टट्टी चला जाए, जब सब्जी सब कट जाए तब फिर आई, इतना तो निकम्मा है। तो टेढ़ टेढ़ चलबे करी हो, तुम्हारे शरीर में खून बनबे न करी, क्योंकि बेईमान आदमी हो, सब्जी काटो कहीं का। और जो बुद्धिमान संत है समझदार, दोनों हाथ से झपट के उठता है, सब झोला थैला उठाना, गाड़ी चलाना, गाड़ी धोना, इसमें कौन बुराई है, अपना काम करने में कौन सी हंसी, कौन मेहनत कर देना चाहिए और खुश भी रहना चाहिए। हमारे साथ में निकम्मा साधु रुकता ही नहीं, हमारे साथ में जितने संत हैं सब बहुत मेहनती, परिश्रमी और होशियारी से चुप्पी से काम करते रहते हैं, गाड़ी चलाते भी हैं और गाड़ी धोते भी हैं,
और गाड़ी रेडी भी कर लेते हैं, गाड़ी सजाते भी हैं, और साथ में माइक, ये माइक संत ही चला रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है वो। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि माइक बनवाने कहीं ले गया, वो कंप्यूटर खोल के ही यही बना देता है, वीडियो कैमरा खोल बनाता, माइक बनाता, आवाज़ इतनी अच्छी बनाता है, बहुत बुद्धिमान संत है, पूरा लांग बांध के जुटता है 6 घंटे तक। और एक संत और है, ये मंडप का प्रबंधक, अरे वो तो बहुत विकट है, उसके पास 25 कर्मचारी हैं, फिर भी वो पाइप पर चढ़ के खुद खोलते हैं पंडाल। तुमने कहा खुद क्यों खोलते, बोले बीमार हो जाऊँगा, थोड़ा हाथ ऊपर करूँगा तो पेट वेट सही रहेगा। मेहनत करना चाहिए आदमी को, परिश्रम। मैं 1 घंटे कमरे के अंदर योगा करता हूँ और 1 घंटे छत के ऊपर पैदल चलता हूँ, और भोजन देखता जाता हूँ, खाता कम हूँ, सूंघता जाता हूँ, चखता कम हूँ, ऐसे देखता हूँ तो मुझे लगता है खतरनाक, इतना माल खाओगे तो फिर पेट थोड़े रहेगा, पेट इंडिया गेट हो जाएगा। अरे वो 20 किलो पेटू लादे घूमो खाम खाम, पेट वोट नहीं निकलने देंगे, चाहे कुछ हो जाए, पेट क्यों निकलते हैं, कोई जबरदस्ती है। अब कल जो है कई पथरौनी हुई, थोड़ा हमने आधी इटली खा लिया, शाम को मैं कुछ खाता नहीं हूँ, बंद कर दिया 6 महीने से, खा लिया इटली, थोड़ी इटली, फिर भगत जी आए, शशि प्रकाश शुक्ला जी, बोले गुरु जी बहुत प्रेम से बनाई है, थोड़ा चटनी, तो हमने कहा चलो थोड़ा इडली थोड़ा चटनी, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, बोले ये थोड़ा सा भाजी है, पालक और हरा भरा सब मिला साग, हमने उसको थोड़ा लिया, तो मेरे को लगा मेरा पेट भर गया है। तो आज सुबह हमने 12 बजे तक खाए नहीं कुछ, खूब भूख लगी जब, तो तिल का लड्डू खाए 1-2, उसके बाद रोटी दाल सब्जी खा लिया, बात खत्म। हमने कहा चावल मत लाना, झंझट खत्म, कल जो इटली खाए रहा ना, आजू का हिंदुस्तान बनाना। तो ये अब मैं देखता हूँ ना, लोगों की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर है, तुरंत उनको कोई बात बताओ, सीढ़ी उतरते ही भूल गई, फिर पूछते हैं का बता रहा, बताने वाले की भी खोपड़ी खा जाएंगे, 100 बार बताओगे तुम। स्मरण शक्ति इसीलिए कमजोर है, 1, चुपके से बता देता हूँ तुम सबको मत बताना, भोजन कम खाइए और चबा चबा कर खाइए, और ये कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, क्योंकि डॉक्टर बता देगा ना डॉक्टर बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर कहता है सब कुछ खाइए, परहेज करने की ज़रूरत नहीं, वो जानता है जब सब कुछ खाएगा तो जो भी कमाएगा वो सब कुछ यहाँ दे जाएगा, और जब ये कुछ खाएगा तो बहुत कुछ कमाएगा, और फिर मेरे पास आएगा नहीं, बीमार होगा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं बताता है, और बताना भी नहीं चाहिए, तुम्हें डॉक्टरी करना कि यहाँ प्रवचन देना, ये तो हम संत आदमी तो बता देते। और इसका ट्रायल मैं कर चुका हूँ, पानी भी बहुत ज़्यादा मत पीजिए, ऐसा नहीं है कि 2 कमंडल भर के पी लिया, किडनी खराब हो जाएगी, किडनी पर लोड ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, प्यास लगे तो पीना है, और उतना पीना है जितना ज़रूरत है, कोई चीज़ ज़्यादा मत लीजिए,